बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आज मैं चूँकि आपके बेटे ने जो है एक बहुत ही अच्छी कामयाबी प्राप्त किया है, उन्होंने नीट के एग्ज़ाम में 720 मार्क्स में से 680 नंबर ला करके केवल और केवल गोरखपुर का ही नहीं पूरे पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। और निश्चित रूप से जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बड़ी हस्ती के रूप में आप जाने जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में, जो केवल गोरखपुर में ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लोगों में आपकी एक अलग पहचान है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जब आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी के लिए जब मन बनाया तो आपके मन में कैसे ख्याल आता है कि मैं एक पूर्वांचल में एक हस्ती हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट में हमारा पूर्वांचल में एक नाम है, ऐसे में अगर हमारा बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है तो उसे एक अच्छे संस्थान में दाखिला मिलना चाहिए, अगर अच्छे नंबर से वो नीट को क्रैक करना चाहिए। उस समय आपके मन में क्या भावना आई और कैसे आपने स्टार पीएमटी को सेलेक्ट किया? कि मैं पहले से स्टार पीएमटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो मैं वहाँ के जब टीचर से मिला तो मुझे बहुत काफ़ी इंप्रेशन हुआ कि वहाँ के टीचरों ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से प्रिपरेशन करना। ऑलरेडी मैं डॉक्टर था तो मुझे भी आइडिया था कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है अपने बच्चों का। तो जब उनसे मिला, जब उनसे इंटरेक्ट हुआ, तो उन्होंने जब मुझे समझाया कि कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या हमारा पैटर्न है, तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इसीलिए मुझे सेलेक्ट करने में परेशानी नहीं आई, मैंने पहले से तय कर लिया कि मुझे अब स्टार पीएमटी नहीं कराना है अपने बच्चे का, और फिर मैं उसमें उस एडमिशन कराया। जी सर, लेकिन एक ये है कि एक धारणा रही है, जैसे पूर्वांचल के लोगों की और गोरखपुर के लोगों की एक धारणा रही है कि गोरखपुर और गोरखपुर में ऐसे शिक्षण संस्थान नहीं हैं जो शिक्षण संस्थान अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत लोग इस केवल भाव में पढ़ करके अपने बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी संस्थानों में जिनका केवल नाम है वहाँ वो अपने से काफ़ी दूर भेज देते हैं और वहाँ तैयारी करते हैं, ऐसे में बच्चा वहाँ सक्सेस नहीं होता है, उसके अंदर हीन भावना डेवलप हो जाती है। ऐसे में क्या आपके मन में ये नहीं आया कि आप अपने बच्चे को बाहर कहीं, जैसे कि आप अच्छी तरीके जान सकते हैं बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं कोटा में हैं, ऐसे जगह क्या आपके मन में उस समय विचार नहीं आया कि मैं इस बच्चे को जो है कहीं गोरखपुर से बाहर भेजूँ, या उसके लिए स्टार पीएमटी ही परफेक्ट है? नहीं, चूँकि मैं कोचिंग के सिलसिले में मैं दिल्ली में भी गया था, कोटा में भी गया था, मैं वहाँ के टीचरों से भी बात किया और वहाँ का देखा जो स्टडी का पैटर्न था, इतने ज़्यादा बच्चे थे कि इतना इंटरेक्ट नहीं हो सकते थे वो टीचर से रेगुलरली। यहाँ मैं देखा कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं और टीचर से इंटरेक्ट हो सकता है बच्चा हर क्वेश्चन के लिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। वहाँ बहुत मुश्किल है कि टीचर से इंटरेक्ट कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके। तो सब चीज़ देखने के बाद मुझे लगा कि स्टार पीएमटी सबसे बेस्ट है, और चूँकि मैं खुद गाइड कर रहा था और मैं जब उससे इंप्रेस हुआ कोचिंग से, तो मुझे डिसाइड करने में ज़रा भी लेट नहीं हुआ कि स्टार पीएमटी पूर्वांचल का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और एक बार जाके वहाँ टीचर से बात करके देखें तो आपको लगेगा कोटा से बेटर इंस्टीट्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि मतलब जो आने वाले स्टारियन हैं या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप पूर्वांचल के माने जाने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ियां मेडिकल के लाइन में आना चाहती है, जो विद्यार्थी हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार पीएमटी को लेकर के आपके क्या संदेश होंगे, मैं सब जानना चाहता हूँ आपसे। मैं तो सभी गार्जियन से और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके स्टार पीएमटी में कम से कम टीचर से मिलें, वहाँ का पैटर्न देखें कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं, और जो वीकली टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, उससे आप अपने बच्चे को जज भी कर सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा किस पोजिशन में वीक है, किस सब्जेक्ट में है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बशर्ते कि आप वहाँ इंटरेक्ट नहीं हो सकते, हमेशा जा नहीं सकते आप दूर के इंस्टीट्यूट में, और ये आपके नज़दीक का इंस्टीट्यूट है और बहुत ही बेटर इंस्टीट्यूट है, आप जाके एक बार मिलें और देखें। और मुझे उम्मीद है कि ये रोशन करेगा पूरे पूर्वांचल के, पूरे इंडिया में इस कोचिंग का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जो है आज हम सब लोग जो है डॉक्टर डी के सिंह साहब से मिले हैं, जिनके सुपुत्र ने नीट की एग्ज़ाम में 680 मार्क्स, 720 में से 680 मार्क्स पाकर के गोरखपुर ही नहीं पूर्वांचल का नाम इन्होंने रोशन किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया है आने वाले विद्यार्थियों के गार्जियन के लिए कि केवल भकावे में आकर बड़ी बड़ी संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने बच्चों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता नहीं, स्टार पीएमटी का जो एक सपना है कि स्टार पीएमटी का हो यही सपना, हर घर में डॉक्टर हो अपना, उससे डॉक्टर डी के सिंह साहब संतुष्ट हैं। और आने वाले जो भी नीट के विद्यार्थी हैं जो तैयारी करने के लिए गोरखपुर में आना चाहते हैं, उनकी एक पसंद स्टार पीएमटी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।